इस वीडियो में चर्चा करेंगे बच्चन पांडे मूवी के बारे में। तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो 2.5 घंटे के आसपास है। जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी और उससे पहले जो इसकी प्रमोशन चल रही थी, प्रमोशन के दौरान ही इस मूवी की प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी गई थी कि भाई जाओ जाकर अपनी प्री बुकिंग कर लो, टिकट को बुक करवा लो पहले। अब ये सारा जो तामझाम किया जा रहा था, जब वहां पर द कश्मीर फाइल अपने हाईएस्ट क्रेज के ऊपर, अभी भी है वो, लेकिन वो एक तरीके से देखा जाए तो कश्मीर फाइल इतना ज्यादा क्रेज चढ़ा हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि यार ये सारी चीजें जो बॉलीवुड के द्वारा की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल को पीछे करने के लिए, ताकि वहां पर लोगों का ध्यान दूसरी मूवी की तरफ जाए, कश्मीर फाइल की तरफ ना जाए। मुझे ऐसा फील हुआ जब इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट की गई। खैर मूवी के ऊपर फोकस करते हैं। अब इस मूवी की कहानी तो देखो ये ओरिजिनल नहीं है, ये रीमेक है। अब रीमेक भी किसकी, साउथ कोरिया की एक मूवी आई थी डर्टी कार्निवल शायद ऐसे करके कुछ उसका नाम है, उस मूवी का रीमेक बनाया गया था साउथ मूवी साउथ इंडस्ट्री के द्वारा, और वहां पर भी दो मूवीज बनी थी, रीमेक बनी थी। उन दो रीमेक के बाद बॉलीवुड कैसे पीछे रहता कि भैया हम तो रीमेक के बादशाह हैं, तो बॉलीवुड ने भी इसको एज इट इज, जैसे होता है ना कि कॉपी पेस्ट वाला मामला, इन्होंने भी चिपका दिया। क्योंकि बॉलीवुड अपना दिमाग कभी यूज नहीं करेगा, ऑब्वियसली यार स्क्रिप्ट लिखने में बहुत ज्यादा दिमाग खर्च होता है, सोचना पड़ता है, कहीं ना कहीं अच्छी कहानी ढूंढ के लानी पड़ती है, तो वो इनके पास नहीं है। तो इन्होंने सोचा भाई अपना कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मूला आजमाते हैं, और उन्होंने आजमा दिया। खैर कहानी के ऊपर आते हैं। अगर आप लोगों ने स्टोरी दी मतलब स्टोरी का इसके ट्रेलर देखा होगा तो आपको इसकी कहानी के बारे में पता चल जाएगा। बस उतनी ही कहानी है जितना इसके ट्रेलर में देखने को मिलती है, वरना इसमें कुछ भी नहीं है। आपको मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलने वाला है। भाई दिखाने को देखने को क्या मिलेगा, एक बच्चन पांडे नाम का एक गुंडा होता है जिसके कुछ चमचे हैं, वो लोगों को मारे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एक विलन वाला रूप दिखाया जाता है। नो डाउट ट्रेलर मुझे पसंद आया था, काफी पसंद आया था, उम्मीदें भी इससे मैंने काफी ज्यादा लगा ली थी कि भाई यहां पर एक लड़की आती है, वो इस बच्चन पांडे नाम के एक व्यक्ति के ऊपर मूवी बनाना चाहती है, एक बायोपिक बनाना चाहती है, और जब ये लड़की इसको जानने लगती है, पहचानने लगती है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो प्रेडिक्शन हम लगा लेते हैं कि एट द एंड मूवी के अंदर क्या होने वाला है। खैर मैं प्रेडिक्शन की बात नहीं करूंगा कि हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कहानी प्रेडिक्टेबल है या नहीं, वो है डेफिनेटली है, लेकिन जो जर्नी वहां तक दिखाई जाती है ना, शुरू से लेकर आखिर तक, वो जर्नी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, मेन चीज वो है। लेकिन इसके अंदर वो जर्नी भी सच कहूं यार वो एक खिचड़ी तरीके से आपको लगेगी, यार क्या बना दिया है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी मजा नहीं आ रहा, सेम टू सेम ऐसा फील करोगे जैसा मैंने फील किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल मत जाना इस मूवी में, कहीं आपको कहानी देखने को मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हाँ अक्षय कुमार है, आपको एक्शन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले एक्शन में आपको देखने के लिए इस मूवी में। कॉमेडी हाँ कुछ एक सीन है जहां पर आपको कॉमेडी मतलब देखने को मिलेगी, हंसी आ सकती है, लेकिन यहां पर भी भैया YouTube के ऊपर हम जो शॉर्ट्स देखते हैं या फिर Instagram के ऊपर रील्स देखते हैं, उनके अंदर वो जो वाहियात वो थर्ड क्लास कॉमेडी की जाती है वो इसके अंदर है। मतलब उसको देखकर उसको सुनकर हंसी नहीं आती, इरिटेशन जरूर होती है, कॉमेडी है लेकिन कहीं कहीं पर भी है, कहीं कहीं पर ही है। और ओवरऑल लुक की बात करूं तो देखो लुक अच्छा है, अक्षय कुमार का जैसे बच्चन पांडे का लुक दिया गया है, एक आंख पत्थर की है जैसे उसका लुक, बहुत वो अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस भी सबने अच्छी कर रखी है, जो चीजें अच्छी हैं उसके बारे में बोलना चाहिए। कुल जमा बात यह है कि भैया मूवी जैसे मैंने कहा एक खिचड़ी सी आपको लगने लग जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कुछ भी चल रहा है समझ में नहीं आने वाला है। बस आए किसी ने कुछ बनाना था वो बना दिया, प्रेडिक्शन था हमने कर लिया, वो जर्नी भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। जब इस मूवी को रिलीज किया जाना, जैसे मैंने कहा ना कि प्रमोशन इसकी बहुत दबा के चल रही थी, इवन ट्रेन तक उधार मतलब कि किराए पे ले ली गई थी ताकि लोगों को पता चले कि बच्चन पांडे मूवी आ रही है। और इतने बड़े प्रमोशन के बाद ये मूवी अपने पहले दिन 13 करोड़ से ऊपर रुपए कमा के जाती है। ऑब्वियसली वो आप देखेंगे तो इतना ज्यादा प्रमोशन किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर किसी भी बॉलीवुड मतलब यहां पर इसके खिलाफ तो होगी नहीं ना, इसके अंदर कोई ऐसी सच्चाई वाली चीज तो दिखाई नहीं जाएगी कि बॉलीवुड उसका विरोध करेगा, तो ऑब्वियसली इसका प्रमोशन दबा के किया गया था, दबा के किया गया था, 13 करोड़ की कमाई कही गई। हाँ ये मानते हैं कि इस मूवी को द कश्मीर फाइल से कम स्क्रीनिंग दी गई थी। अब देखने वाली बात ये है कि ये मूवी अपने इस हफ्ते में कैसे टिक पाती है, क्योंकि द कश्मीर फाइल का क्रेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। जिस दिन बच्चन पांडे मूवी रिलीज होती है उस दिन द कश्मीर फाइल 19 करोड़ से भी ज्यादा रुपया कमा के जाती है। हर दिन ये मूवी रिकॉर्ड बनाते जा
जा रही है द कश्मीर फाइल। अब देखने वाली बात है कि बच्चन पांडे मूवी कैसे टिक पाती है एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि अगले हफ्ते आ रही है RRR। अब उस मूवी से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो अब देखने वाली बात है। खैर, मुझे ये मूवी बहुत एक एवरेज लगी। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 4 out of 10। आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो रिव्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अपनी बुद्धि का खुद यूज करिए और सोच समझ के टिकट को मतलब बाय करिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।